अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साइबान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक टॉपिक पे डिस्कस करना चाहती हूँ। यकीनन ये पिक्चर देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा, कोरोना वायरस वाकफियत रखते होंगे इससे। 190 से अबव ममालिक में फैल चुका है ये, बहुत बुरे तरीके से, बहुत ही मोहलक बीमारी बन चुका है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई, लेकिन इससे बचा जा सकता है सिर्फ एहतियात करके। एहतियात एहतियात और सिर्फ एहतियात। 31 दिसंबर 2019 को ये वुहान चाइना में रिपोर्ट हुआ। इसके सिम्टम्स में आ जाता है तेज़ बुखार, खांसी, गला ख़राब, सांस का रुकना। लेकिन हर खांसी ज़ुकाम कोरोना वायरस नहीं है। फिर आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, हैंड वॉश करें। किसी से अगर मिल लिया, वैसे तो मिलना है नहीं, लेकिन मिल लिया तो आप लोग ने हाथ नहीं मिलाने। फिर मिला लिए तो सैनिटाइज़र ये साबुन से बहुत अच्छे से वापस घर आके हाथ धोने हैं। आपने गर्म पानी पीने का इहतमाम करना है। गैदरिंग बिल्कुल नहीं करनी। तो अगर हम ये सारी प्रिवेंशन करेंगे तो हम इस मोहलक बीमारी से महफूज रहेंगे। फिर सबसे एंड में आ जाता है कि हमें अल्लाह को राज़ी करना है। उसके लिए हमारा नमाज पढ़ना 5 वक्त की बहुत ज़रूरी है, और अल्लाह से दुआ मांगना। जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे होंगे, आप लोग 5 वक्त की नमाज कायम करें, क्योंकि हमें बचाव के साथ साथ अल्लाह को राज़ी करना है, और उसी के हाथ में ये सब, और वो ही इस बीमारी से हमें निजात हासिल करवा सकता है। शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए।